brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ज्योतिराय सिंधिया की जीत की राह को आसान बनाने के लिए अब प्रियदर्शनी राजे सिंधिया यानी उनकी पत्नी ने कमान संभाल ली है। शुरुआत में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, शिवपुरी पहुंची थी, काफले को रुकवाया और पहुंच गई एक फलवाले की दुकान पर। और अकेले फलवाले की दुकान पर नहीं गई, यहाँ तमाम बाजार की दुकानों पर अपना काफले को रुकवाने के बाद एक एक दुकान पर गई, समय बिताया और अब सीधे लोगों से बात कर रहे हैं। सभाएं तो करेंगी लेकिन वन टू वन भी कर रही हैं, लोगों से सीधे जुड़ रही हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। और अंदाज भारा है ज्योतिराय सिंधिया की अपनी जमीन स्तर की राजनीति जो नजर आ रही है इन दिनों। और इससे हटकर एक तस्वीर कि उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी उसी जमीन अंदाज में नजर आ रही हैं। गुना में इस बार सिंधिया परिवार जो है जीत ही नहीं रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। और वजह यह भी है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उन्हें पुराने चुनाव का भी अनुभव है, उन्होंने उस समय भी कैंपेनिंग की थी, तो एक बार फिर वो कैंपेनिंग कर रही हैं, मोर्चा संभाल लिया है, महिलाएं जुट रही हैं, महिलाओं से वो बात कर रही हैं और उनका अंदाज भी लोगों को भा रहा है। दरअसल प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उनको जिम्मेदारी दी गई है इस सीट पर महिला वोटर्स को साधने की। और यही वजह है कि शिवपुरी में वो पहुंची थी मात्र शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इसी कार्यक्रम से पहले की वो तस्वीर है बाजार की खोड़ की, जहां पर बाजार में उतरकर एक एक महिलाओं से मिलते हुए एक दुकान पर साड़ी खरीदती हुई नजर आई। यानी कि वो संदेश देने की कोशिश की कि वो जमीनी हैं, लोगों से वो खुद ही सीधे संवाद करने में विश्वास रखती हैं। और यही वजह है कि एक रणनीति के तहत पूरे गुना क्षेत्र में महिला वोटर्स के बीच में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और भी कैंपेन करेंगी। यानी ऐसे जगह जगह मात्र शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जहां प्रियदर्शनी राजे सिंधिया महिला वोटर से सीधे जुड़ेंगी, संवाद करेंगी। ज्योतिराय सिंधिया अपने स्तर पर प्रचार कर ही रहे हैं, पहले से सक्रिय हैं, लेकिन प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की एंट्री के बाद सियासी हलचल जरूर तेज हो चली है, क्योंकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने पूरी कमान संभाल ली अपने हाथ में और एक रणनीति के तहत क्षेत्र को बनाते हुए अलग अलग जगह वो जाएंगी और इसी तरीके से लोगों से जुड़ेंगी। और देखना यह भी होगा कि इस बार पहले की तुलना में और ज्यादा मेहनत कर रही हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, तो क्या इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा? महिला वोटरों को साधने की जो जिम्मेदारी दी गई है उनके बीच वो जा रही हैं, तो ज्योतिराय सिंधिया के विकास के काम भी गिना रही हैं गुना क्षेत्र को लेकर, तो क्या महिला वोटर को साधने के लिए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का जो चेहरा है वो काम आएगा, कितना असर होगा? ये तो खैर चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस बार एक बड़ी रणनीति के साथ सिंधिया परिवार गुना क्षेत्र में सक्रिय है। यही वजह है, जैसे मैंने बताया, ज्योतिराय सिंधिया तो सक्रिय हैं ही, उनकी पत्नी भी अब मोर्चा संभाल चुकी हैं और वो सीधा संवाद कर रही हैं महिलाओं से कनेक्ट हो रही हैं। अब देखना यही है कि परिणाम में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की मेहनत खासतौर से महिला वोटरों के बीच जाकर कितना अंतर लाएगी, क्या पहले की चुनाव की तुलना में इस बार कुछ फर्क नजर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन आप देखते रहें अभी तक।